नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेबी कुमारी। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। कोरोना काल में गरीबों की सेवा में लीन रहे सोनू के डॉक्टर एमएस परवास को देशभक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें जमुई से आए फार्मासिस्ट दीपक कुमार के द्वारा प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। इस मौके पर सोनू वासियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जमुई सोनू संवाददाता चंद्रदेव बरनवाल की रिपोर्ट। हाँ, आप अपना परिचय दें थोड़ा। मैं दीपक कुमार, फार्मासिस्ट फाउंडेशन लिमिटेड का दवा प्रतिनिधि। सर को नव वर्ष पे। आप आए कहाँ से? सर मैं जम्मू से आया जी। क्या नव वर्ष पे क्या दे रहे हैं इनको? सर को नव वर्ष पे सर ये जो इतना जो सोशल वर्क कर रहे हैं उसके लिए कंपनी जो है इनको कोरोना काल में जी कोरोना काल में इतना ये किए हैं। और नव वर्ष के मौके पर जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनमें से सर को देशभक्त चिकित्सक का एक अवार्ड दे के हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सर आप इसमें बताएं, आपको सम्मानित किया जा रहा है, सर आप इस पे अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों की सेवा करते रहें, यह हमारी बहुत पहली कर्तव्य है। और कई संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया है और सम्मान सबसे बड़ी मैं उनको भी दूंगा, कंपनी को भी हमने बहुत बड़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम इस तो देहात में जो गरीब के लिए कुछ काम कर रहे हैं उनकी प्रोत्साहन के लिए आप जो काम कर रहे हैं आप धन्यवाद की पात्र हैं।